वहीं भागलपुर के युवा वैज्ञानिक गोपाल पर बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक ने देश के सबसे युवा साइंटिस्ट गोपाल के साथ फिल्म साइन की है। कुछ दिनों बाद फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपाल के आविष्कार के मुरीद हैं और अब बॉलीवुड का भी दिल गोपाल पे आ गया है। रिपोर्ट देखिए। भागलपुर के युवा वैज्ञानिक की दुनिया दीवानी। डोनाल्ड ट्रंप है मुरीद, पीएम मोदी ने की है सराहना। सुपर जीनियस साइंटिस्ट ने ठुकराया नासा का ऑफर। यंग साइंटिस्ट गोपाल की अब बनेगी बायोपिक। ये है भागलपुर के ध्रुवगंज गांव के रहने वाले गोपाल, जिन्होंने 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान के सबसे युवा साइंटिस्ट होने का गौरव प्राप्त किया है। गोपाल के आविष्कार की दुनिया दीवानी है। गोपाल बनाना बॉय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने केले के थंब से कई आविष्कार किए। 13 साल की उम्र में केले के थंब से बिजली बनाई, केले के थंब से पल्प तैयार किया जिससे प्लेट और थाली का निर्माण किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर अभी शोध कर रहे हैं। यही वजह है कि नासा से अभी तक गोपाल को 3 बार ऑफर मिला है, लेकिन हिंदुस्तान से मोहब्बत ऐसी कि गोपाल ने 3 बार नासा का ऑफर ठुकरा दिया। खुद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी न्योता भेजा, लेकिन गोपाल का इरादा नहीं बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोपाल के आविष्कार के मुरीद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपाल को 2017 में अहमदाबाद के इनोवेटिव फाउंडेशन में भेजा था। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के 40 युवा आइकॉन में भी शामिल किया गया था। ये खुशी की बात है कि कोई समाज से कोई परिवार से कोई आगे बढ़ता है तो काफ़ी मेहनत के बाद, और एक बहुत अच्छी इनोवेशन है जो कि एक देश की तरक्की और एक बिहार के लिए भी बहुत गर्व की बात है और हमारे परिवार के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि वो इस कड़ी मेहनत के बाद एक बहुत अच्छा इनोवेशंस एक युवा जनरेशन के लिए बहुत बड़ा ये आपका एक प्रेरणा है जिससे युवा को आगे बढ़ने की एक सलाह मिल सकती है कि हम भी कुछ आगे इस एज में इस कम एज में इतने कम उम्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। गोपाल अभी एवोन पेफको नामक कंपनी में बतौर साइंटिस्ट कार्यरत हैं। गोपाल ने अब तक 12 आविष्कार किए हैं। यही वजह है कि अब गोपाल पर बायोपिक बनने जा रही। बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक ने फिल्म बनाने का फैसला कर लिया है। पिछले 9 साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हूँ और ये मेरा जिंदगी है। केले का बगान, मतलब यहाँ से हमने शुरू किया था और आज के टाइम पे हम केले के पेड़ से अलग अलग तरह की प्रोडक्ट को डेवलप किया जो एक आने वाले समय में कुछ सालों में देश के जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक उसको कहते हैं आप उसको चमत्कार या फिर कह सकते हैं उसको उपहार साबित होगा केले के फार्मर्स के लिए। आज तक वो केले का फल बेचते थे, अब लेकिन हमारे प्रोडक्ट के आने के बाद वो केले का पेड़ भी सेल करेंगे और उसे हम लोग अच्छी तरीके अच्छे दामों पे बाय करेंगे। भागलपुर के लाल की कामयाबी पर पूरे देश को गर्व है। गोपाल ने इतनी कम उम्र में विश्व पटल पर जो अपना लोहा मनवाया है वो बेहद काबिले तारीफ है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर।